तो गाइस आपको मालूम है चैत्र नवरात्र चल रही है, गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया रहेंगे। मैं हाँ पर हूँ, थोड़ा चढ़ाई किया है मैंने। तो गाइज आपको मालूम है चैत्र नवरात्र चल रही है, तो माता के सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम अभी है मुंबरा में, मुंबरा में मुंबरा देवी है, नवरात्र चल रही है, तो हमने सोचा माता के दर्शन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की है, नीचे यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। हार्डली मैंने कुछ स्टेप्स चढ़े हैं और मैं हाँफने लग गया हूँ। यस, एज इज टेकिंग इट्स टोल। तो आप देख सकते हो ये मुंबरा माता का मंदिर है। तो ये रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, जैसे ही आप चढ़ाई शुरू करते हो तो पहले यहाँ पे दर्शन लेते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। जय भजन बली। तो गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं। यूजुअली जब भी पहाड़ों पे मंदिर होता है ना, तो नीचे एक मंदिर होता है जहाँ पे यूजुअली इनको रक्षक बोलते हैं, मतलब इस पहाड़ के रक्षक है। तो पहले इनके दर्शन करने पड़ते हैं, इसके बाद आपको पहाड़ की चढ़ाई करके मेन माता के भवन में जाना पड़ता है। तो ज़्यादा टाइम तो हमको लगने वाला नहीं है क्योंकि ज़्यादा चढ़ाई है नहीं। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ इसका रास्ता कैसा है, बहुत खूबसूरत है। तो वैसे आप देख सकते हो रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए बैठने के लिए, आराम करने के लिए ये जगह बनाई है। वैसे अभी गर्मियाँ चल रही है तो मैंने सोचा जल्दी आके निकल जाऊँ, क्योंकि बाद में फिर धूप बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलो, मैं बहुत हाँफ रहा हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ, आपको सिर्फ नज़ारे दिखाता हूँ और फिर सीधे ऊपर मिलते हैं। गाइस मैं थोड़ा सेटल हो गया और अभी हमने लिया प्रसाद की थाली ले ली है, तो अभी माता का चढ़ावा करते हैं और फिर दर्शन लेते हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो गाइज़ हमारे माता के दर्शन हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी दिन बढ़ेगा वैसे भीड़ भी यहाँ पे आ जाएगी। तो चलो मैं दिखाता हूँ ऊपर से मुंबरा शहर कैसे दिखता है।
तो गाइस जैसे आपने देखा हमारे दर्शन हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए और इस जगह से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। मतलब बचपन में हम ऑलमोस्ट महीने में दो महीने में एक बार तो आ ही जाते थे, मतलब साल में 8-10 बार हम लोग उमरा आते थे। और तभी ये कुछ नहीं था, छोटा सा मंदिर था और लिटरली ऊपर आने के लिए जो अभी सीढ़ियाँ हैं तभी सीढ़ियाँ भी नहीं थी, पत्थरों में से आना पड़ता था। बट ठीक है, उस ज़माने में हम दो बार नीचे जाते, मतलब पानी ख़त्म हो गया तो मैं कुछ मुझे याद है हम नीचे जाके वापस पानी ऊपर लेके आए, खाना पूरा लेके आते थे, यहीं पे बैठ के हम लोग खाना खाते थे। मतलब सुबह निकलते थे खाना बिना खा के, आराम से आफ्टरनून में घर जाते थे। तो बहुत सारी, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी यादें जुड़ी है और जब भी यहाँ पर आता हूँ तो वो यादें ताज़ा होती है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलो अभी दर्शन हो चुके हैं, यहाँ से निकलते हैं, हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है। थाना मुमरा इस लाइक ऑलमोस्ट क्या 10-15 मिनट में यहाँ से पहुँचेंगे, नीचे जाने के लिए 10 मिनट लगेंगे और 15-20 मिनट में घर पे पहुँचेंगे, तो 45-50 मिनट्स में हम घर रहेंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और धूप अभी बढ़ रही है तो ज़्यादा धूप बढ़ने से पहले तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी सारे श्रद्धालु अभी आने लगे हैं। तो गाइस चढ़ाई ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी खड़ी चढ़ाई है जिसके वजह से थकावट महसूस होती है और अभी हम तो स्वीट 16 है नहीं। बात तो सही है। तो गाइस आप वो जो देख रहे हो दैट इज मुमरा स्टेशन और ये जो है ये रोड है। तो पहले हमको मुमरा स्टेशन से उतर के हम लोग ट्रेन से फिर इस जो ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग है तभी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, यहाँ से हम चल के यहाँ पे चढ़ाई करते थे। लेकिन ये रोड बनने की वजह से क्या हो गया कि हम सीधा यहाँ पे गाड़ी आके लगा दिए, पार्किंग की है और ऑलमोस्ट आधा पहाड़ ही चढ़ना पड़ा हमें, वरना हमें पूरा पहले नीचे से ऊपर आना पड़ता था और उस टाइम पर हम लोग दो बार नीचे जाते थे। तो काफ़ी धुंधला है क्लाइमेट, इसके लिए क्लियर नहीं दिख रहा, स्मोकी है, फॉग नहीं है, स्मोक ज़रूर है, ये पोल्यूशन है। तो चलो अभी नीचे चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, वैसे तो थका नहीं हूँ लेकिन फिर भी सोचा कि ऐसा माहौल मिलेगा नहीं जहाँ पे आराम से बैठ के, मतलब इतना इको फ्रेंडली नेचर में बैठ के मिलेगा, तो मैंने सोचा यहाँ पे 5-10 मिनट बैठते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो ग्रुप आया है इन लोग ये रैपलिंग विपलिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे है ना एक फ्लैट स्टोन सरफेस है। ये पूरे मुंबई से आए हैं। हाय। तो गाइस ये लोग यहाँ पे रैपलिंग करने के लिए आए हैं तो मुझे लगा इन्होंने चाय पी रहे थे, मुझे लगा ये चाय का स्टॉल है, बस मैं कैजुअली जाके पूछा कि चाय कितने का है। उन्होंने पूछा कि हमारा, उन्होंने बताया कि हमारा ग्रुप है जो हम लोग रैपलिंग के लिए आते हैं और उन्होंने मुझे चाय ऑफ़र किया। तो चलो अच्छा लगा क्योंकि सुबह से हम निकले हैं, कुछ खाया नहीं है, कुछ भी पिया नहीं है, पानी तक नहीं पिया हूँ मैं। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैड टी। तो अभी नीचे जाते हैं, 2 मिनट में नीचे पहुँचेंगे, गाड़ी निकालते हैं। सबसे पहले एक जगह है जहाँ पर हम लोग नाश्ता करने वाले हैं क्योंकि एक नंबर नाश्ता मिलता है वहाँ पे। 2000 years later। सो गाइस हम नीचे आ चुके हैं, ये सामने रोड है, वहीं पर अपनी एक्टिवा पार्क्ड है। गाइस जैसे मैंने कहा उस तरफ स्टेशन है और स्टेशन से आप चल के आते हो तो ये ब्रिज, ये रोड के नीचे से, ब्रिज से के नीचे से ठीक है यहाँ पे निकलता है रोड बाहर। और ये जो रोड है ये मुमरा बाईपास रोड बोलते हैं इसको, तो ये सीधा यहाँ से थाने चले जाएगा, हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है।
व्हाइट कलर की एक्टिवा, इस पर एक वगैरह लिखा है। और फिर यहाँ से ये चढ़ाई शुरू होती है मुंब्रा देवी की। ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका हर सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मायने रखता है। तो चलो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय माता दी।